तो बजट वाले ईयरबड्स की डिमांड मार्केट में हमेशा से बहुत ज्यादा रही है, और बीटरॉन एक ऐसा ब्रांड है जो इसे प्रोडक्ट्स लेकर आते रहता है जो 1000 रुपए के अंदर आपको बढ़िया वाले TWS प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो है बेस पॉड्स एनकोर करके लॉन्च हुए हैं, इंटरेस्टिंग सा डिवाइस है, एक्सपीरियंस कर लिया अपन ने यूज करके, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। बट उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना, ताकि हमारा जो प्यार है मोहब्बत है आगे भी बनी रहे और आप ऐसा कंटेंट देखकर हमें अप्रिशिएट आगे भी करते रहे। तो कर लेना सब्सक्राइब। डब्बा खोलते हैं अपन अभी, तो डब्बे आपको देखने को मिलेगी मस्त ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के अलावा आपको मिल जाएंगे कुछ की हाईलाइट्स। कंटेंट पैकेज की बात करें तो पेट्रोन का ये काम मुझे बढ़िया लगता है, कार्ड देता है आपको, इसमें QR कोड रहते हैं। QR कोड आपको दो मिल जाएंगे, एक तो वारंटी वाला, एक मिल जाएगा आपको मैनुअल का। तो मैनुअल रीड करनी है तो वो स्कैन कर लो, वारंटी क्लेम करनी है तो वारंटी वाला स्कैन कर लो। बाकी उसके अलावा आपको सिलिकॉन के एयर टेस्ट मिल जाएंगे, एक आपको मिल जाएगी चार्जिंग केबल, साथ में मिल जाएंगे आपके ईयरबड्स। अब ईयरबड्स की मैं बात करूं डिजाइन को लेके स्पेशली, तो बड़े कॉम्पैक्ट हैं, पॉकेटेबल हैं और कैरी करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये वाला जो कलर है कहीं ना कहीं चटक भटक आपको देखने को मिलता है, ब्लू कलर में थोड़ा सा दे रखा है। और साथ ही में यहाँ पे बढ़िया से पीटरॉन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, नीचे यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन दे रखा है, टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। और इसमें जो मटेरियल यहाँ पर यूज कर रखा है वो है प्लास्टिक, और क्वालिटी बढ़िया है, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से जो इन्होंने यूज कर रखा है मटेरियल वो बहुत सही है। अब केस की ओपनिंग इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना कुछ यूनिक तरीके से केस ओपन होता है, और आपके अंदर यहाँ पे मस्त जो है ईयरबड्स रखे हुए। अब ईयरबड्स को मैं निकालता हूँ, अगर इनके में फिटिंग की बात करूँ तो बढ़िया फिटिंग मिल जाती है आपको। जैसे मूवी देख रहे हो या फिर गाने वाने सुन रहे हो, लंबे समय तक भी इस्तेमाल करने वाले हो तो आप बढ़िया से यूज कर सकते हो। स्पेशली जो जिम जाने वाले व्यक्ति हैं या सुबह सुबह जॉगिंग करना पसंद करते हैं तो वो लोगों के लिए बढ़िया बन जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हेड शेक करने पे, मूवमेंट करने पे गिर नहीं रहे कान से, फिटिंग बहुत बढ़िया मिलेगी आपको यहाँ पर। तो उससे पर्सनली भी मैं इंप्रेस हुआ यहाँ पर, तो ये कह सकता हूँ कि डिवाइस डिजाइन और बिल्ड के मामले में तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। कमिंग टू द पार्ट ऑफ हार्डवेयर, अब यहाँ पे हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ब्लूटूथ। तो ये कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं है तो फिर खरीदने का या सुनने का मजा ही क्या रह जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.3 और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाती है। साथ ही 10 मीटर की रेंज में जैसे आप इसको घूम रहे हो पहन के ना, फोन आपका दूर रखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कोई दिक्कत आती है ना कि कभी कभी आपका गाना ब्रेक हो रहा है या फिर एक में आवाज आ रही है एक में आवाज नहीं आ रही है, खरखर हो रही है, तो वो वाले आपको इशू नहीं आएंगे। और साथ में जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है ना कि वाटर रेटिंग क्या है, तो ये IPX4 रेटेड भी आते हैं। थोड़ा सा जैसे हल्का फुल्का स्वेट आ रहा है आपको जिमिंग करते हुए या जॉगिंग करते हुए, तो ये उसको कहना कि रजिस्ट कर जाता है, तो ये एक बढ़िया बात हो जाती है। बट सबसे खास बात जो है इस डिवाइस की वो है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस। यहाँ पर 400 mAh की बैटरी इन्होंने केस के साथ यूज़ कर रखी है, और यूजेज की मैं बात करूँ तो सिंगल यूजेज में आपको ईयरबड्स जो है कंपनी का क्लेम है कि ये 10 घंटे तक का परफॉर्मेंस दे देते हैं। बट इनएक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, क्योंकि देखो वॉल्यूम से वेरिएशन आ जाता है, कुछ लोग होते हैं जो फुल वॉल्यूम पे सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 50-60% पे सुनना पसंद करते हैं। तो एवरेज जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मिल जाएगी 6-8 घंटे की। बट बढ़िया बात देखिए, जो केस है वो आपके ईयरबड्स को 4 बार चार्ज कर देता है, तो आपको बैकअप बढ़िया मिल जाता है। 50 आवर्स बहुत बड़ा बैकअप हो जाता है कहीं ना कहीं बैटरी के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और प्लस टाइप सी का पोर्ट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको फास्ट चार्जिंग भी इस डिवाइस में मिल जाती है, 10 वॉट तक की आपको यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी कर रखी है। अब रही बात यहाँ पर सबसे मेजर पार्ट को लेके, वो है इसकी साउंड क्वालिटी। 10 mm के ड्राइवर्स इन्होंने यूज कर रखे हैं, और इस प्राइस रेंज में जो साउंड क्वालिटी आउटपुट दे रहे हैं जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि मैं अगर ट्रेबल्स की बात करूँ क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है आपको, डिटेल्स कहीं ना कहीं अच्छी हैं। प्लस वहीं अगर मैं बेस की बात करूँ तो आपको मोर देन एवरेज बेस मिल जाता है, और इफेक्ट और इम्पैक्ट आपको बेस का जरूर से सुनाई देगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन वाले तो कहीं ना कहीं सक्शन अच्छे से क्रिएट हो जाता है, तो वो एक प्लस बेनिफिट हो जाता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से साउंड क्वालिटी आपको मोर देन इनफ है, और मेरे हिसाब से जो इस प्राइस रेंज में आने वाले दूसरे ईयरबड्स हैं कहीं ना कहीं उनको अच्छा कम्पीट कर लेते हैं। अब रही बात यहाँ पे एक लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, तो वो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि अगर 100% में सुनने जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको 80% के आसपास सुने, क्योंकि फुल वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन नहीं है बट थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं लाउड लग सकते हैं कान में। रही बात जो एक और लोगों के लिए बड़ा कंसर्न रहता है वो है इसकी माइक की परफॉर्मेंस, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ईयरबड्स खरीद रहे होते हैं, मेजर जो यूजेज होता है कभी कभी वो कॉल पे भी आता है। अब बाहर ट्रेवल कर रहे हैं और कॉल क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, सामने लोग आपकी आवाज़ सुनने दे रही, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने ना नॉइस कैंसलेशन वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है, ताकि आपकी आवाज़ जो है यानी कि जो एनवायरमेंट की आवाज़ है वो सामने वाले तक ना पहुँचे, और आपकी आवाज़ जो एकदम प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। तो वो चेक करने के लिए अपने को टेस्ट करना पड़ेगा, तो अपन टेस्ट कर लेते हैं। बाकी आप ही कमेंट के बताना कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो गाइस जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है इन ईयरबड्स के माइक्रोफोन से, जिस तरह की परफॉर्मेंस ये देगी जब भी आप आउटडोर में ट्रैफिक में इनको यूज करने वाले, क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।
अब रही बात देखो टच वाले ईयरबड्स आजकल मार्केट में चल ही रहे हैं, तो इसमें भी आपको बकायदा टच मिलता है। और मैं अगर रिस्पॉन्स की बात करूं तो रिस्पॉन्स अच्छा है, ऐसा नहीं कि लैग कर रहा है या थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है या तीन चार बार टैप करना पड़ रहा है तब रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो दिक्कत नहीं आएगी आपको, बढ़िया रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला है। और सारे जो फंक्शंस आपके बेसिक होते हैं जैसे प्ले पॉज करना है, ट्रैक्स फॉरवर्ड करना है, असिस्टेंट को वेक करना है, तो वो सभी आपको जो है टच में मिल जाते हैं यहाँ पे। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो ये कंक्लूजन इसलिए क्योंकि ये जो प्राइसिंग है बहुत इफेक्टिव है, और इस पर्टिकुलर प्राइसिंग पे अगर आप इस डिवाइस को खरीद रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया सा ऑप्शन बन जाता है। क्योंकि रीजन से बेस्ट मुझे ये लगा कि इसकी डिज़ाइन है बहुत कॉम्पैक्ट है, पॉकेटेबल है, कैरी करने में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा जो हाईलाइट है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतनी बड़ी बैटरी मिलना एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो ये दो पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आपका 1000 रुपये के अंदर का बजट है और आप एक ईयरबड ढूंढ रहे तो ये वाला आपके लिए बढ़िया सा ऑप्शन बन जाता है। अगर आपको ये चेकआउट करना है तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पसंद आया तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है। बट भाई के लिए बस इतना सा कर देना कि वीडियो को लाइक कर देना और आपका जो कमेंट है वो जरूर से कर दिया करो, क्योंकि आपका कमेंट आ देना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, समझ में भी आती चीजें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि कमेंट में आप ये चीजें बता दिया करो, हमें कुछ नए डिवाइसेस आए हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है उसको रिव्यू करना है, तो वो भी आप कमेंट में बढ़िया तरीके से बता सकते हैं ताकि हम लोग आप लोगों के लिए उनको लेकर आ सके। और बाकी बस इतने था इस वीडियो में, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।